الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا और इस कायनात में पैदा करने के बाद इस कायनात की सबसे बेहतर मखलूक अशरफुल मखलूकात में से बनाया और अल्लाह का करम ये है कि अल्लाह ने इंसान बनाकर मुसलमान बनाया, क्योंकि इंसान तो इस कायनात में बहुत सारे हैं लेकिन कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई और किसी मज़हब का मानने वाला है, लेकिन अल्लाह ने इंसान बनाकर हम लोगों को मुसलमान बनाया और फिर मुसलमान बनाकर एक ऐसे मसलक के साथ हम लोगों को वाबस्ता किया, एक ऐसी जमात के साथ हम लोगों को वाबस्ता किया जो मसलक और जमात अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने अपने सर को झुका देता है। क्योंकि मुसलमान तो बहुत हैं लेकिन मुसलमानों में बहुत सारे लोग भटके हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग गुमराह हैं, लेकिन हम लोगों पर अल्लाह का करम यह है कि इंसान बनाकर मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाकर फिर एक ऐसे बेहतरीन मसलक के साथ जोड़ दिया जो बस कुरान और हदीस पर अमल करने वाला है। अल्लाह की इस तारीफ के बाद दर्द व सलाम नाज़िल हों तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर, खुसूसियत के साथ मेरे और आपके आखिरी नबी सरवरे कौनैन ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला नबीना मोहम्मद। इस नाक़िस हम्द व सलात के बाद हाज़िरीन जुमा वो पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज इस जुमा के मौके पर जिस मौजू को लेकर आपके पेश नज़र खड़ा हुआ हूँ वो मौजू है जहन्नम की हवलनाकियाँ। जहन्नम
जैसे ही हम ये लफ्ज सुनते हैं हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे ही हम जहन्नम का लफ्ज सुनते हैं अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान मजीद में जहन्नम का जो नक्शा खींचा है, जहन्नम के जो हालात बयान किए हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका में जहन्नम के जिन अजाब का जिक्र किया है, वो सारी चीजें हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन जहन्नम को सिर्फ याद करना जरूरी नहीं है, काफी नहीं है, बल्कि जहन्नम से अपने आप को बचाना जरूरी है। जहन्नम की आग से, जहन्नम के मुख्तलिफ अजाबात से अपने आप को महफूज करवा लेना, अपने आप को बचाना, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए आज से इस खुतबे जुमा में कुरान और हदीस की रोशनी में जहन्नम की हवलनाकियों को हम सुनने की कोशिश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जहन्नम कितनी बड़ी है अगर हम उसकी गहराई की बात करें, अगर हम उसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें, तो हम लोगों को मुस्लिम शरीफ में एक हदीस मिलती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो बयान फरमाते हैं कि हम लोग एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, सहाबा बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। इतने में एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, एक बहुत बड़ी चीज के गिरने की आवाज आती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं, ऐ सहाबा, क्या तुम जानते हो कि ये किस चीज की आवाज है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज से 70 साल पहले जहन्नम में एक बहुत बड़े पत्थर को फेंका गया था, 70 साल तक वो लुढ़कता गया, गिरता गया, लुढ़कता गया। 70 साल के बाद आज जहन्नम की तह को पहुंचा है, जहन्नम का जो आखिरी स्टॉप है वहां पर आज ये पत्थर पहुंचा है। गौर कीजिए, एक पत्थर को अगर ऊंचाई से गिरा दिया जाए, 70 साल तक वो पत्थर गिरता रहे और 70 साल के बाद जमीन पर पहुंचे, तो जहन्नम की कितनी लंबाई होगी? बहुत ही लंबी जहन्नम है। अगर जहन्नम की चौड़ाई की बात करें तो उस सिलसिले में अबू याला की एक हदीस मिलती है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرادق النار 4 جدر بين كل جدار مثل 40 سنة رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جہنم 4 دیواری پر مشتمل ہے جس طرح ہمارے گھر کی 4 دیواری ہوتی ہیں वैसे ही अल्लाह के रसूल ने कहा कि जहन्नम 4 दीवारी पर मुश्तमिल है, और फिर कहा कि एक दीवार से दूसरे दीवार के दरमियान का जो कोना होता है, एक दीवार से दूसरे दीवार को जोड़ने वाला जो कॉर्नर होता है, जहन्नम का कोना इतना चौड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 साल की मसाफत अगर कोई तय कर ले, 40 साल की मसाफत का जो फासला होगा, उतना फासला सिर्फ जहन्नम के कॉर्नर का है। गौर कीजिए, हमारे पास हमारी दीवारों के कॉर्नर बस एक उंगुल के बराबर होते हैं। जहन्नम के कॉर्नर की बात की जा रही है कि अगर कोई इस कॉर्नर को पार करना चाहे, 40 साल उसको लग जाएंगे।
40 साल के बाद वो उस कामर को तय कर पाएगा, पार कर पाएगा, तो ये है जहन्नम, जो इतनी बड़ी, इतनी गहरी और अपने अंदर आने वालों का इंतजार कर रही है। गुनहगार लोग, नाफरमान लोग, जो अल्लाह की नाफरमानी करते थे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते थे, जो अपनी मनमानी जिंदगी इस दुनिया में बसर करते थे, ना कोई नमाजों का ख्याल था, ना रोजों का कोई ख्याल था, ना सदका व खैरात का कोई ख्याल था, ना हज और उमरा का कोई ख्याल था, ना दावत और तबलीग का कोई ख्याल था, ना मनहज सलफ पर चलने का कोई ख्याल था, ना सहाबा के तरीके पर चलने का कोई ख्याल था, बस अपनी जिंदगी को मनमानी जिंदगी जो लोग बनाकर इस दुनिया में बसर करते थे, ऐसे लोगों का ये बड़ी जहन्नम इंतजार कर रही है। अब आइए देखते हैं जहन्नम की हवलनाकियां क्या क्या हैं, किन किन किस्म के अजाब से दोचार वहां पर जहन्नमी को होना पड़ेगा। जहन्नम में सबसे पहला और सबसे बड़ा अजाब आग का अजाब हो गया। आग का अजाब, वो आग जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहीं नारुल कुबरा कहा, बहुत बड़ी आग कहा, कहीं नारन तलज्जा कहा, कहीं नारुन हामिया दहकती हुई आग कहा। और उस आग के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 60 पर 9 दर्जे ज्यादा गर्म होगी। जहन्नम की आग से जहन्नमियों का लिबास बनाया जाएगा, जहन्नम की आग से जहन्नमियों का बिस्तर बनाया जाएगा, जहन्नम की आग से उनके लिए कनातें बनाई जाएंगी, घर भी आग के, लिबास भी आग का, बिस्तर भी आग का, आग ही आग, आग के शोले, आग के अंगारे, आग के बड़े बड़े पहाड़ वहां पर नजर आएंगे। और ये आग इंसान को अगर जलाकर मार डालना ही होता तो उसके लिए दुनिया की आग ही काफी थी। दुनिया की आग में किसी इंसान को उठाकर डाल दिया जाए तो मिनटों में इंसान जलकर राख हो जाता है, लेकिन जहन्नम की आग दुनिया की आग से 60 पर 9 दर्जे ज्यादा गर्म होने के बावजूद इंसान का हिस्सा तमाम नहीं करेगी, इंसान को पूरे तौर पर खत्म नहीं करेगी। अल्लाह ने कहा ला तुबकी वला तजर, ये आग इंसान को ना छोड़ेगी और ना बाकी रखेगी। ला यमूतु फीहा वला यहया, काफिर लोग उस जहन्नम की आग में ना मरेंगे और ना जिंदा रहेंगे, बल्कि तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। मौत जहन्नम में नहीं है, मौत के लिए लोग पुकारेंगे, इंसान का जिस्म जला दिया जाएगा, खाल जल जाएगी, जैसे ही खाल जल जाएगी दूसरी खाल उसके जिस्म पर चढ़ा दी जाएगी, जैसे ही फिर दूसरी खाल जल जाएगी तीसरी खाल उसके जिस्म पर चढ़ा दी जाएगी। यही सिलसिला चलता रहेगा। ला यमूतु फीहा वला यहया, ये काफिर लोग, ये मुशरिक लोग, ये बिदअती लोग जहन्नम में ना ही मरेंगे और ना ही जिंदा रहेंगे, बल्कि दरमियान की हालत में तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। मदद के लिए पुकारेंगे लेकिन कोई उनकी मदद और फरियाद को सुनने वाला नहीं होगा। आज कुछ मुसलमानों का दावा है कि हमारे फला पीर हमारी मदद करेंगे, हमारे फला बाबा हमारी मदद करेंगे, फला हमारे मुर्शिद हमारी मदद करेंगे। याद रख लीजिए, वहां पर कोई किसी की मदद करने के काबिल भी नहीं रहेगा। लोग मदद के लिए चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, ना बाप बेटे की मदद के लिए आएगा, ना भाई भाई की मदद के लिए आएगा, ना शोहर बीवी की मदद के लिए आएगा, यहां तक के
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कह दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर किसी की वहां पर सिफारिश और मदद नहीं कर सकते। अल्लाह जिसकी इजाजत दे, अल्लाह जिसकी इजाजत दे, जिसको इजाजत दे वही वहां पर सिफारिश कर सकता है। अल्लाह के रसूल के अलावा कोई वहां पर सिफारिश करने के लायक नहीं रहेगा। यह जहन्नम की आग 60 पर 9 दर्जे ज्यादा गर्म। आज हम इंसानों की हालत यह है कि अपनी हथेली पर, अपने हाथ पर दुनिया का एक मामूली सा छोटा सा आग का अंगारा हम 2-4 मिनट रखना गवारा नहीं कर सकते, हम इसकी ताकत नहीं रखते। अगर मैं आप लोगों में से किसी को कहूं कि एक रुपये वाली मोमबत्ती की छोटी सी आग, इस छोटी सी आग पर एक 5 मिनट किसी को हाथ रखने के लिए कहा जाए, तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, इस छोटी सी आग पर 5 मिनट कौन अपने हाथ को रखना बर्दाश्त कर पाएगा? हरगिज नहीं। आप छोटी सी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जो जहन्नम की आग 7 पर 9 दर्जे ज्यादा गर्म है, उस आग को हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? आज हमारी हालत यह है कि गर्मा के महीने में जब समर का सीजन होता है, जून की गर्मी आज हमसे बर्दाश्त नहीं होती। 12 बजे का वक्त हो, नंगे पाए सड़क पर 1 किलोमीटर चलना हमारे लिए मुश्किल और दुश्वार हो जाता है, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यह गर्मी जो होती है वो बस जहन्नम की भाप की वजह से है, जहन्नम की भाप की वजह से है। आज हम जहन्नम की भाप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। गर्मी के दिनों में अगर फैन बंद हो जाए, करंट चला जाए, आप सोए हुए हैं रात के 12-1 बजे, अगर फैन बंद हो जाए, आप हालांकि अपने घर में हैं, आप हालांकि अपने नरम बिस्तर पर हैं, आप आरामदायक जगह पर हैं, लेकिन गर्मी के महीने में रात में एक 5-10 मिनट फैन बंद हो जाए तो मेरी और आपकी क्या हालत होती है? जब हमारी दुनिया में यह हालत है तो जो आग दुनिया की आग से 7 पर 9 दर्जे ज्यादा गर्म है, उस आग को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसीलिए हमें इसी दुनिया में अपने गुनाहों को अल्लाह के पास माफ करा के अल्लाह की बारगाह में जाना चाहिए। आइए जहन्नम के हवलनाकियों में से, उसके अजाब में से दूसरे अजाब की तरफ हम चलते हैं। आग के अजाब के बाद जहन्नम में जहन्नमियों को खाने और पीने का अजाब दिया जाएगा। खाने और पीने का अजाब, जैसे ही कयामत में हिसाब किताब होगा और कयामत के वक्त वहां पर इंसान को जो सबसे पहली मुसीबत का सामना करना पड़ेगा वो शिद्दत की प्यास होगी। शिद्दत की प्यास इंसान को वहां पर लग रही होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर बैठकर अपने मुबारक हाथों से लोगों को उस हौज़े कौसर से पानी पिला रहे होंगे। तमाम लोग वहां पर जाएंगे, काफी लोग भी आएंगे, मुशरिक लोग भी पानी पीने के लिए आएंगे, बिदाती लोग भी पानी पीने के लिए आएंगे, लेकिन फरिश्ते वहां पर उनसे कहेंगे कि तुम लोग यहां से दूर हो जाओ, तुम्हारे लिए कोई पानी नहीं है। अल्लाह के नबी कहेंगे ये भी मेरी उम्मत के लोग हैं, इन्हें भी आने दो, मेरी उम्मत के लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम कि आपके इंतकाल के बाद इन लोगों ने दीन में किस तरह नई बातों को ईजाद कर लिया था, किस तरह इन्होंने दीन को बिगाड़ दिया था, आपने नहीं बताया था लेकिन उन्होंने वो काम किया, दीन के नाम पर उन्होंने मुहर्रम किया, दीन के नाम पर उन्होंने मिलादुन नबी को किया, दीन के नाम पर उन्होंने 11वीं को किया, दीन के नाम पर उन्होंने जलसे और जुलूस निकाला।
आपको नहीं मालूम कि इन लोगों ने आपके जाने के बाद दीन में किस कदर तब्दीली को पैदा कर लिया था। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहेंगे सुहुकन सुहुकन लिमन गय्यर बादी, दूरी हो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरे बाद दीन को बदल दिया था। अब शिद्दत की प्यास के आलम में हौज़े कौसर का पानी नसीब नहीं होगा, उसी हालत में जहन्नम में उठाकर डाल दिया जाएगा। और जहन्नम में वहां पर जब पुकार पुकार कर तरस तरस कर पानी को मांगेंगे तो अल्लाह सुबहानहु व तआला फरिश्तों को हुक्म देंगे, ऐ मेरे फरिश्तों, ये जहन्नमी लोग पानी मांग रहे हैं, जाओ इन्हें पीने के लिए पानी दो। जहन्नम के फरिश्ते जहन्नमियों के पास आएंगे और उनको पीने के लिए पानी दिया जाएगा। कैसा पानी दिया जाएगा? अहदीस में आता है जहन्नमियों को खौलते हुए गरम गरम पीने के पानी की तरफ लाया जाएगा। पानी ही नहीं, खौलता हुआ पानी, इतना ही नहीं, खौलते हुए खून की नदियों के पास जहन्नमियों को लाया जाएगा। खौलता हुआ खून ही नहीं बल्कि खौलते हुए पीप के पानी की तरफ, खौलता हुआ पीप, गलीज मादा जो इंसान के फोड़े और फुंसियों से निकलता है और जो जानी मर्द और जानी औरतों की शर्मगाह से जो गलीज मादा निकलता है, खौलते हुए उन चीजों के पास लाया जाएगा और जबरदस्ती जहन्नमियों को वो खौलता हुआ पानी, वो खौलता हुआ खून, वो खौलता हुआ पीर और वो खौलता हुआ गलीस मादा उनको पीने के लिए दिया जाएगा। अब जहन्नमी लोग ना चाहते हुए भी प्याले को अपने जबान से अपने मुंह से लगाएंगे। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जैसे ही वो एक घूंट अपने मुंह में डालेंगे, एक घूंट का एक खतरा जैसे ही उनके जिस्म में जाएगा तेजाब से भी ज्यादा काम करेगा, उनकी अतड़ियां गल जाएंगी उस एक खतरे एक घूंट की वजह से, उनके पेट की सारी अतड़ियां गल कर कट कर पाखाने के सुराख से पैरों के नीचे आकर गिर जाएंगे। और फिर जब वे खाने के लिए मांगेंगे, भूख लगेगी, फरिश्तों से कहा जाएगा ये खाने के लिए मांग रहे हैं, इनको खाना दो, क्या खिलाया जाएगा? जख़ून का दरख्त खाने के लिए लाया जाएगा। जख़ून का दरख्त जो आग की पैदावार है, आग से बना हुआ है, कांटेदार दरख्त है, जहरीला दरख्त है, ऐसा जहरीला दरख्त जिसके बारे में हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जख़ूम का जहर का एक खतरा अगर इस दुनिया की जमीन पर डाल दिया जाए तो सारी दुनिया की जमीन सड़ जाएगी। सिर्फ एक खतरे जहर की वजह से सारी दुनिया की जमीन बदबूदार और सड़कर कोई भी चीज उगाने के काबिल नहीं रहेगी। ये जख़ूम के जहर के एक खतरे की हालत है। वो जख़ूम का दरख्त, कांटेदार आग का दरख्त जहन्नमियों को खाने के लिए दिया जाएगा। ना चाहते हुए भी जैसे ही वो लोग एक लुकमा चबाने की कोशिश करेंगे तो फिर वही हालत, उनकी अतड़ियां कटकर अपने पैरों में, उनके खदमों में आकर वहां पर उनकी अतड़ियां कटकर गिर जाएंगी। ये खाने और पीने का अजाब है। ये अजाब किन लोगों को दिया जाएगा? आखिर ये खाने पीने का अजाब कैसे लोगों को दिया जाएगा? उन लोगों को ये अजाब दिया जाएगा जो दुनिया में हलाल और हराम में तमीज नहीं करते थे, जो भी मिलता था खा लेते थे, ना हलाल देखते थे ना हराम देखते थे, किसी यतीम के माल को छीन कर खा लिया, किसी बेवा के माल को हड़प कर लिया, किसी भाई की विरासत को हड़प कर लिया, किसी बहन की विरासत को हड़प कर लिया, किसी की जायदाद को समेट लिया,
किसी के माल में धोखा देकर धोखे से उसके माल को हासिल कर लिया, और ना कोई हलाल दावत देखते थे ना कोई हराम दावत देखते थे। जो भी दावत देता था दावतों में जाकर खाते और पीते थे, ना मंगनी की दावत देखते थे, ना रसम और रिवाज की दावत देखते थे, ना किसी जोड़े की घोड़े की दावत देखते थे। जो भी गैर शरई दावतें हैं उसमें जाकर खाकर अपने पेट को भरते थे, हलाल और हराम में तमीज नहीं करते थे। ऐसे लोगों को यह अजाब दिया जाएगा। इसकी दलील कुरान मजीद की आयत है, ज़रहुम याकुलु व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून। अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, ऐ नबी आप इन लोगों को दुनिया में छोड़ दीजिए, ये लोग खाते रहें, याकुलु व यतमत्तउ, ये लोग खाते रहे और ऐश और मस्ती करते रहे, यहां पर हलाल व हराम में ये लोग तमीज नहीं कर रहे हैं, इनको खाने दीजिए, इनको ऐश करने दीजिए। वयुल्हिहिमुल अमलु, और उनको उम्मीदें धोखे में रख दें, फसौफ यालमून, अनखरीब ये लोग जान लेंगे। जब जहन्नम में लोग आएंगे तो यहां पर हलाल व हराम में तमीज ना करने की वजह से यहां पर उनको मालूम हो जाएगा, फसौफ यअलमून, यहां पर जान लेंगे, यहां पर खाना और पीना जो दिया जाएगा वो खाने और पीने के टाइम वो जान लेंगे। उनको ख्याल आएगा कि ऐ काश हमने दुनिया में किसी हराम माल को ना खाया होता, ऐ काश हमने रिश्वत ना ली होती, एकाश हमने सूद ना खाया होता, एकाश हमने किसी के माल को हड़प के ना खाया होता। वहां पर जब ये खाने पीने की चीजें उनको दी जाएंगी वहां पर वो लोग जान लेंगे, वहां पर उनको ख्याल आएगा। आज कितने लोग ऐसे हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं करते। बहुत सारे लोग हलाल कमाई से हराम खाते हैं, कमाते तो हलाल हैं लेकिन हराम खाते हैं। गुटखा अपनी हलाल कमाई से कोई लेकर खाता है, तंबाकू कोई अपनी हलाल कमाई से लेकर खाता है, बीड़ी और सिगरेट अपनी हलाल कमाई से लेकर खाता है। कमाई हलाल है लेकिन चीज हराम है। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई और किसी किस्म का नशा ले रहा है। आज नौजवान नस्ल ड्रग्स में मुब्तला हो चुकी है, इंजेक्शंस लेते हैं, पाउडर को सूंघा जाता है, ये सब नशे वाली चीजें। जो भी लोग करेंगे उन्हीं लोगों को जहन्नम में ये खाने और पीने का अजाब दिया जाएगा। और जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग शराब के साथ साथ दूसरी नशे वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नशा करने वाले लोगों को जहन्नम में जहन्नमियों का पसीना पिलाया जाएगा, जहन्नम में जहन्नमियों का पसीना पिलाया जाएगा। इतना ही नहीं, अहमद की एक हदीस ने, मुस्नद अहमद की हदीस में कहा गया कि जो लोग दुनिया में नशा करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ऐसे लोगों को जहन्नम में जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरत की शर्मगाह से जो गलीज मादा निकलता है वह गलीज मादा दुनिया में शराब पीने और नशा करने वाले लोगों को पिलाया जाएगा। कितनी सख्त बात है। आज मैं आपके सामने एक पानी का जग मंगवाता, पानी फ्रेश है, एकदम साफ है, और आपकी आंखों के सामने मैं अपने हाथों को भी साबुन से धो लूं, अच्छे तरीके से साबुन से धोकर उस पानी के जग में एक दो मरतबा हाथ डुबोकर आपसे कहूं कि आप ये पानी पी लीजिए, क्या आप पानी पीना गवारा करेंगे? नहीं। हालांकि पानी भी फ्रेश है, मेरा हाथ भी फ्रेश है, जब इतना फ्रेश पानी हम इसको पीने से इनकार कर रहे हैं तो जहन्नम में
जहन्नमियों का पसीना पीना कैसे हम बर्दाश्त कर सकेंगे। जहन्नम में शर्मगाहों से निकलने वाली गलीज चीज वहां पर पीना हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे, आज सोचने की जरूरत है। हमने मामूली समझ लिया है, जहन्नम के अजाब को हमने मामूली समझ लिया है, आज अपनी जिंदगियों को सुधारने की जरूरत है। हवलनाकियां हैं, उन हवलनाकियों में से एक हवलनाकी और अजाब आग की तंग और तारीख कोठरियों में जबरदस्ती ठोसने का अजाब है। आग की कोठरियां होंगे, कमरे होंगे, ऐसे कमरे जिस कमरे में ना ही कोई सुराख होगा, ना ही कोई रोशनी की किरण आ सकेगी, ना ही हवा आने के लिए हल्का सा कोई छोटा सा सुराख होगा, बिल्कुल अंधेरे कमरे, तारीख कमरे और तंग कमरे, इतने तंग कमरे कि अगर एक कमरे में 1000 लोगों की गुंजाइश है, लेकिन जबरदस्ती 2000 लोगों को वहां पर ठोसा जाएगा और कमरे को बंद कर दिया जाएगा, और उन तंग कमरों में जहां पर 1000 लोग जा सकते थे, लेकिन 2000 लोगों को जबरदस्ती ठोसकर कमरों को बंद करके, जहां पर रोशनी के लिए एक सुराख भी नहीं है, हवा आने के लिए एक सुराख भी नहीं है, उस बंद और तारीख कमरे को जहन्नम की दहकती हुई आग पर रख दिया जाएगा। अगर इस अजाब को महसूस करना हो तो इस तरह मिसाल दी जा सकती है, एक बड़ा प्रेशर कुकर बना दिया जाए, प्रेशर कुकर में 1000 लोगों की गुंजाइश हो, लेकिन उसमें जबरदस्ती 2000 लोगों को दाखिल करके उस पर प्रेशर कुकर का ढक्कन मजबूती से बंद करके उस प्रेशर कुकर को जहन्नम की आग पर रख दिया जाए, तो उस प्रेशर कुकर में रहने वाले लोगों की हालत क्या होगी, उनका आलम क्या होगा, यही हालत उस कमरे में रहने वाले लोगों की होगी। इसकी दलील अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया, वइज़ा उल्कु मिन्हा मकानन ज़य्यिकन मुकर्रनीना दऊ हुनालिका सुबूरा ला तदऊ अल्यौमा सुबूरन वाहिदन वदऊ सुबूरन कसीरा। अल्लाह सुबहानहु व तआला उन तंग और तारीख कोठरियों के बारे में कुरान मजीद में कहते हैं कि जिस दिन उनको तंग और तारीख कोठरियों में जबरदस्ती डाल दिया जाएगा, बांध कर डाल दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, पैरों को भी बांध दिया जाएगा, जंजीरों से बांध कर उन तंग कमरों में ठोक दिया जाएगा, दाव हुनालिका सुबूरा, वो लोग वहां पर उस अजाब को बर्दाश्त ना करके अपनी मौत को पुकारेंगे, दाव हुनालिका सुबूरा, वो लोग अपनी मौत को पुकारेंगे, ला तदउल यौमा सुबूरन वाहिदन। अल्लाह कहते हैं कि आज के दिन तुम एक मौत को नहीं, वदउ सुबूरन कसीरा, कई मौतों को पुकार लो, लेकिन तुमको मौत आने वाली नहीं है, एक मौत को नहीं, कई मौत को आवाज दे लो, लेकिन आज तुमको मौत आने वाली नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह अजाब किसको दिया जाएगा? यह अजाब उन लोगों को दिया जाएगा जो क़ियामत के दिन का इनकार करते हैं, क़ियामत के दिन को छुटलाते हैं। इसकी दलील सूरह फुरकान आयत नंबर 11 में अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कहा, वअअतदना लिमन कज़्ज़बा बिस्साअति सईरा, जो लोग क़ियामत के दिन को झुटलाते हैं, जो लोग क़ियामत के दिन का इनकार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने ये अजाब तैयार करके रखा है। अब बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि जो क़ियामत का इनकार करते हैं उनके लिए अजाब है, हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन यह हमारी गलत फहमी है, यह हमारी गलत फहमी है। हम में से भी बहुत सारे लोगों ने आज क़ियामत का इनकार कर दिया है, कहने को तो मुसलमान हैं, कहने को तो अहले हदीस हैं,
लेकिन अहले हदीस में से भी, मुसलमानों में से भी बहुत सारे लोगों ने आज कयामत के दिन का इनकार कर दिया है, कयामत के दिन को झुठला दिया है। किस तरह? आज हम बार बार जुम्मा के खुतबात में कयामत के बारे में सुनते हैं, हम 10 में सुनते हैं, कयामत के मंजर के बारे में सुनते हैं, कयामत के अजाब के बारे में सुनते हैं, कयामत के दिन अल्लाह के फैसले के बारे में सुनते हैं कि अल्लाह फैसला करने वाला है, अच्छाई का बुरा अच्छाई से दिया जाएगा, बुराई का बदला बुराई से दिया जाएगा, नमाज ना पढ़ने पर अजाब दिया जाएगा, दाढ़ी ना रखने पर अजाब दिया जाएगा, शिर्क करने पर अजाब दिया जाएगा, बिदअत करने पर अजाब दिया जाएगा। ये सब बातें हम सुनते हैं, सुनने के बावजूद हम नमाज नहीं पढ़ते, सुनने के बावजूद हम दाढ़ी नहीं रखते, सुनने के बावजूद हम शिर्क करते हैं, सुनने के बावजूद हम बिदअत करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने कयामत के दिन का इनकार कर दिया है, गोया कि हमने कयामत को झुठला दिया है। अगर कयामत का हम इकरार करते, अगर हम कयामत को मानने वाले होते, तो एक वक्त की नमाज आज हमसे नहीं छूटती। अगर कयामत को हम मानने वाले होते तो हमारी दाढ़ियां होती, हम एक एक सुन्नत पर अमल करने वाले होते। आज ये हमारे अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमने कयामत का इनकार कर दिया है। और जो कयामत का इनकार करेगा, उसके लिए ये तंग और तारीख कोठरियों में जबरदस्ती ठोसने का अजाब वहां पर दिया जाएगा। या कयामत के हवलाकियां और उसकी 3 अजाब की शक्लें मैंने बयान की हैं, और भी बहुत सारी शक्लें हैं, चूंकि वक्त हमारे पास कम है। खुलासे कलाम यह है कि जहन्नम एक बहुत ही बदतरीन से बदतरीन जगह है। जहन्नम की आग बहुत ही दहकती हुई आग है, इस कदर तेज आग जहन्नम की आग कि जहन्नम की आग को देखकर, जहन्नम की आग को देखकर उस वक्त अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी हस्तियां, नबी और रसूल जैसी हस्तियां जहन्नम की आग को देखकर रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम, ऐ मेरे रब मुझे इस आग से बचा ले, ऐ मेरे रब मुझे इस आग से बचा ले, अंबिया जैसी हस्तियां वहां पर अल्लाह से दुआ करेंगी। इतना ही नहीं, जहन्नम की आग वो आग है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है कि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब कुरान मजीद को पढ़ती, जहन्नम के अजाब की कोई आयत आती, तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के आंखों से आंसू निकल जाया करते थे। हजरत आयशा रोने लग जाया करती थी। कहां है आज मुस्लिम खवातीन, कहां है आज मुस्लिम औरतें? आज जहन्नम के अजाब को याद करके हमारी खवातीन नहीं रोती, बल्कि टीवी के सीरियल्स को देखकर हमारे खातूनों के आंखों से आंसू निकलते हैं। इतना इमोशनल हो जाते हैं, सीरियल देखते हैं, सास और बहू का सीरियल चल रहा है, वहां पर लड़ाई चल रही है, कोई सीन चल रहा है, औरतों के आंखों से टीवी देखने के टाइम में आंसू निकल जाते हैं। ये आज हमारी कौम हो चुकी है। आज मुसलमान जहन्नम को याद करके नहीं रो रहा। अम्मा आयशा ने यह सबक दे दिया कि जहन्नम को याद करके रोया करो। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, क्या हजरत उमर बिन खत्ताब के सामने जब भी जहन्नम का जिक्र होता तो आप इतना रोते कि रो रो कर आपको हिचकियां लग जाया करती थी। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक लोहार की दुकान के बाजू से उनका गुजर हुआ, लोहार भट्टी है, आग जल रही है, अब्दुल्ला बिन मसूद ने लोहार की उस दुकान में उस आग को देखा, जहन्नम की आग को याद करके रोने लगे। अता सुलेमी, उनके एक हमसाये ने, उनके एक पड़ोसी ने रोटियां बनाने के लिए चूल्हा जलाया, रोटियां बनाने के लिए चूल्हा जलाया। जब उन्होंने चूल्हे में आग को देखा तो जहन्नम की आग को याद करके बेहोश हो गए। अता सुलेमी, हजरत सुफियान सौरी के सामने
जब भी जहन्नम का जिक्र किया जाता तो उनको खून का पेशाब आने लगता था। हजरत रबी सारी सारी रात अपने बिस्तर पर करवट बदलते रहते थे, बेचैन रहते थे, सोते नहीं थे। बेटी ने पूछा, अरे अब्बा जान, सारी दुनिया आराम से सो रही है, आप क्यों करवट पर करवट बदल रहे हैं, आप क्यों बेचैन हैं? तो रबी ने कहा कि बेटा, जहन्नम की आग तेरे बाप को सोने नहीं देती। जहन्नम की आग को याद करके सहाबा इस कदर रोया करते थे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आए मेरे सहाबा, आए मेरे सहाबा, जो चीज़ मैं देखता हूँ अगर तुम वो देख लो, जो चीज़ मैं सुनता हूँ अगर वो तुम सुन लो, तो तुम लोग हंसना छोड़ दोगे, हंसना छोड़ दोगे और अपनी बीवियों के साथ तुम लेटना छोड़ दोगे। अपनी बीवियों को छोड़कर, उस लज्जत को छोड़कर, दुनिया के ऐशो आराम को छोड़कर तुम बियाबान जंगलों में जाकर जहन्नम की आग से बचने के लिए दुआएं करते रहोगे। यह है जहन्नम की आग और उसके अजाब। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला कहने वाले को कहने से ज़्यादा, सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर शिर्क से बचाए, हर बिदअत से बचाए, हर गुमराही से हमारी हिफाजत फरमाए। दुनिया के जिस कोने में जहाँ भी मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। दुनिया के जिस कोने में जहाँ भी मुसलमान बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर दे। दुनिया के जिस कोने में जहाँ भी मुसलमानों को सताया जा रहा है, जहाँ भी मुसलमानों को मारा जा रहा है, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, अल्लाह ताला उन गैर मुस्लिमों को या तो हिदायत दे या फिर उनको नीस्त व नाबूद कर दे। अल्लाह से दुआ है हमें जहन्नम की आग से बचाए, जहन्नम के सांप और बिच्छुओं से हमारी हिफाजत फरमाए, कब्र के अजाब से बचाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। दुनिया में भी हमें भलाई अता करे, आखिरत में भी हमें भलाई अता करे और मरने से पहले पहले हमें सुधर जाने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।